हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इंडेंटिंग टेक्निक कर सकते हैं। इंडेंटिंग टेक्निक जो होती है उससे आप किस तरह से आप वाइट बियर्ड वाइट हेयर किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इंडेंटिंग टेक्निक का मतलब होता है किस तरह से आप अपने पेपर में डेप्थ ला के उस पर शेड करते हैं तो वो डेप्थ बन जाती है वहाँ पर, और इस तरह से वहाँ पर वाइट 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 पार्ट छूट जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको उसके लिए चाहिए खाली पेन या भी आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल हो, इंडेंटिंग मटेरियल भी होते हैं, लेकिन मैं एक खाली पेन का यूज़ करके पेपर में डेप्थ बना रहा हूँ। ध्यान रखिए आपका पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए वरना पेपर टूट भी सकता है। 150 जीएसएम का मेरा पेपर है तो इस पर मैंने अच्छे से यहाँ पर डेप्थ ला दी है। यहाँ पर जो पेन है खाली पेन उससे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा डेप्थ बन रही है पेपर में। उसके बाद आप उसके ऊपर अगर शेड करेंगे चारकोल से या फिर पेंसिल से तो वो किस तरह से डेप्थ ऊपर की आती है वो आप देखेंगे। यहाँ पर मैं कैमलिन की मीडियम चारकोल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये शेड हो रहा है और किस तरह से पेपर में डेप्थ बनी थी जो ऊपर की आ रही है। वाइट हेयर्स वाइट बियर्ड आप जो भी मैंने लाइन्स ड्रॉ की थी वो किस तरह से ऊपर के बाहर आई है। और अगर आप इसे ब्लेंड कर देते हो तो ये थोड़ी डेप्थ में चली जाती है, ब्लैक बैक जो होता है, तो आप उसके ऊपर से वाइट जेल पेन या फिर टॉम्बॉय इरेजर का भी यूज़ करके उसे वापस अच्छा कर सकते हैं या फिर लुकिंग कर सकते हैं अच्छा सा। देख सकते हैं यहाँ काला हो चुका है, लेकिन इंडेंटिंग टेक्निक यहाँ पर आप समझ में आ रही होगी किस तरह से आपको करनी चाहिए। तो अब मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से आपको डेप्थ लानी है, ये जैसे कि आपके पास जो पेन है खाली मटेरियल्स उसके आपको डेप्थ बनानी है। देखिए इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा प्रेशर के साथ दबाता है, प्रेशर के साथ अगर आप करेंगे तो अच्छे से डेप्थ बनेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा पेपर मोटा चाहिए वरना पेपर फट जाएगा। तो इस तरह से अगर डेप्थ ले आएंगे आप अपने पेपर में तो उसके बाद अच्छे शेड होगा और उससे वाइट हेयर वाइट बियर्ड जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छे से होगा। तो मैंने चारकोल का भी यूज़ किया और मैं आर्ट लाइन की 8B का भी यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप ग्रेफाइट चारकोल दोनों से अच्छे से कर सकते हैं। देख सकते हैं आप चारकोल और ग्रेफाइट दोनों से काफ़ी सही हो रहा है। तो काफ़ी बढ़िया टेक्निक है इंडियन टेक्निक। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइज यही होती है इंडियन टेक्निक, अपने पेपर में डेप्थ बनाना और ऊपर से शेड करके उसमें हाईलाइट करना, तो इससे आप अच्छे से वाइट हेयर बियर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक बार जो ड्राइंग बनाई थी ओल्ड मैन की उसमें मैंने बियर्ड इसी टेक्निक के यूज़ करके किया था तो काफ़ी अच्छे बने थे हेयर उसमें और बियर्ड भी। उसके बाद मैंने क्रेटोस की ड्राइंग बनाई उसमें मैंने यही टेक्निक यूज़ की तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वाइट बियर्ड थोड़ी वहाँ पर थी हाईलाइटेड मैंने अच्छे से बनाई। तो बस यही होती है इंडेंटिंग टेक्निक। आप इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छे से इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके आप अच्छे से वाइट हेयर बियर्ड आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। काफ़ी सही टेक्निक है, इसका यूज़ हम इसी के लिए करते हैं वाइट हेयर बियर्ड। और वाइट हेयर बियर्ड ड्रॉ करने काफ़ी और भी तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका काफ़ी अच्छा है। आप चाहें उस इस जगह आप इस तरह से शेड करके अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी आपको इसी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस बाय।